चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टैन ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस साइन सी, और दूसरा दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पे टैन ए का मान दे रखा है 1/√3, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, आधार। चलिए त्रिभुज एक बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ए बी सी यहाँ पर कोण ए पर बंदर को बैठा देना है, जहाँ पर बंदर बैठता है उसे कहते हैं आधार, ये हो गया आधार। कोण भी 90 अंश का कोण है, इसलिए इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण और ये भुजा हो जाएगी लंब। यहाँ पर लंब दिया हुआ है एक, रख लेते हैं, लंब बराबर हो जाएगा एक, और आधार दिया हुआ है √3, तो आधार हो जाएगा √3। चलिए यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कर्ण का मान यहाँ पे हमें दिया गया है। लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है, ए कर्ण ए से लेकर सी तक है, तो इसलिए हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर आधार है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान दे रखा है एक, तो यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 4 यहाँ से ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर का स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर √4, जो बराबर होगा √4 का वर्गमूल आता है 2, तो ए सी का मान आ गया 2। चलिए ए सी का मान रख देते हैं त्रिभुज में, जाएगा रूट ए सी बराबर 2 आ गया। अब हम मान ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस सी, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यहाँ साइन ए का मान निकाल लेते हैं त्रिभुज से, तो कोण ए पर हमें बंदर बैठा देना है, इसलिए लंब हो जाएगा एक और कर्ण हो जाएगा 2, तो साइन ए का मान हो जाएगा 1/2। साइन और कास के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। कास सी का मान हो जाएगा सी पर बैठने बंदर को, जब सी पर बंदर बैठेगा तो ये हो जाएगा आधार, हमारा एक हो गया आधार और 2 हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 1/2 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम कोण ए पर बंदर को बैठा देंगे। कोण ए हो गया हमारा आधार और 2 हो गया हमारा कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2। कॉस ए का मान आ गया √3/2 गुणे साइन सी का मान निकालना है, यहाँ पर कोण सी लिया गया इसलिए बंदर को हम सी पर बैठा देंगे, सी पर बंदर बैठेगा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, क्योंकि इस साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा √3/2। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1/1 बराबर हो जाएगा 1 के और 2/2 बराबर हो जाएगा 4 के, प्लस √3 का √3 से गुणा हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा रूट तीन का रूट तीन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा तीन, बटे का दो का गुणा दो से होगा तो हो जाएगा चार। चूँकि यहाँ पर दोनों का हर सेम आ रहा है इसलिए दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे, किसी एक को लिख लेंगे और ऊपर वाले वन प्लस तीन हो जाएगा चार। यहाँ चार बटे चार आया इसलिए करके चार बटे चार को चार को चार से भाग देने पर आंसर आएगा एक। प्रॉब्लम। थैंक यू।